नमस्कार स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप सभी का पुनः स्वागत, पुनः अभिनंदन। आप सभी हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर और मैं हूं आपके साथ कुसुम प्रसाद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सत्र है सोशल साइंस का और कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स इसे देख सकते हैं और भी अगर स्टूडेंट्स देखना चाहे तो वो भी इस सत्र का लाभ ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो लेने वाले हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट 1, और इसे पढ़ाने के लिए हमारे से जुड़ गए हैं हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर सुशील कुमार सर। सुशील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। मैडम नमस्कार, और पीएम विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को और आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और सर है पीजीटी हिस्ट्री के वी आसनसोल कोलकाता से, तो सर बताएंगे इस चैप्टर के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम आज का सत्र शुरू करें, हम बता देते हैं हमारे विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, किस तरह से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे, वो है 8800440559 पर। और एक और जरिया है, ईमेल कर सकते हैं आप हमें dth.class10@cit.nic.in पर। और आप एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी इसे देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर कोई से भी सत्र को आप देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो अब हम देर नहीं करते हैं और रुक करते हैं सुशील सर की तरफ। सर जी, सर शुरुआत करते हैं आज का सत्र। और मुझे लगता है हमें अपने सत्र की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल सर। सो बच्चों, एक बार पुनः आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और जैसा कि हम जानते हैं, जनवरी का ये महीना क्लास 10th का और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। आप सभी को मालूम है कि 15 फरवरी से सीबीएसई की डेट आ चुकी है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए जितने भी आपके कंफ्यूजन हो, जो भी फैक्ट्स हो, आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के सेशन में हम इस चैप्टर से जुड़े कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। Starting with the introduction, first of all we'll discuss the meaning of political party, then main features of a political party, then we will see why do we need a political party, that means necessity of a political party in a democracy. Then after we will discuss the key components of a political party, functions of a political party, and then we'll discuss the party system throughout the world, that means दुनिया में कितने तरह का पार्टी सिस्टम, दलीय व्यवस्था काम करती है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में कितने तरह के राजनीतिक दल मौजूद हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो मैम, आई थिंक शुड वी स्टार्ट। बिल्कुल सर। ओके, देन लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इन क्लास 9 वी हैव रेड a lot of points about the democracy. There you have read about the meaning of a democracy, features of democracy. Among several features of democracy, one of the most important feature of democracy was, is actually representative form of government. और आपने पढ़ा कि ये representative form of government क्या होता है? Representative form of government means the rulers are elected by the representatives of the people. So who are these representatives? ये representatives कौन से होते हैं, कहां से आते हैं? बच्चों आप जानते होंगे, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा, अपने पेरेंट्स से पूछा होगा, न्यूज पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज में सुना होगा। मोस्ट ऑफ दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर स्टेट इलेक्शन की बात करें तो MLAs, लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो MPs, मोस्ट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स मोस्टली बिलोंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी। ये सभी रिप्रेजेंटेटिव एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। सो इन दिस सेशन वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, स्टार्टिंग विद द मीनिंग। वी हैव टू डिस्कस सो मेनी पॉइंट्स, सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सो लेट मी स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल। So, what is a political party? Political party is a group of people who come together to contest election and gain power. बच्चों आपने definition में बार-बार पढ़ा होगा, देखा होगा, क्योंकि board का time है,
तो निश्चित रूप से आपने इस चैप्टर को कवर किया। आपने ये पढ़ा होगा कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो लोगों के एक समूह से बना है, जिनका मुख्य मकसद, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के अपने हाथों में पावर हासिल करना। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर दिस पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ इकट्ठे आते हैं वो लोग होते क्यों, क्यों एक साथ इकट्ठे आते हैं? What you will found, all members of the party who come together are basically agreed upon a common vision or the similar policies that promote collective welfare of the people or the state. यानी वो लोग इकट्ठे एक साथ आते हैं, वो लोग इकट्ठे एक साथ मिलकर राजनीतिक दल बनाते हैं, जिनका विजन क्या होता है, एक जैसा होता है, जो एक जैसी पॉलिसीज को प्रमोट करते हैं जिससे राज्य का और जिससे लोगों की भलाई हो सके। और ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन ए कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट कंट्री। नाउ की कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, आपने पढ़ लिया लोगों का एक समूह होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज कहलाता है। अब क्या ये जो लोगों का समूह होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी लोग होते हैं क्या सभी एक जैसे होते हैं? नो, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री की कंपोनेंट। एक राजनीतिक दल की जो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी लोग हैं, उनको तीन भागों में हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द लीडर्स, सेकंड वन इज द एक्टिव मेंबर्स, थर्ड वन इज द फॉलोअर्स। अब समझना है हमें लीडर कौन होते हैं। राजनीतिक दल में जो सबसे कम संख्या में जो लोग होते हैं, मुट्ठी भर के जो लोग होते हैं, वो लीडर्स कहलाते हैं। भले ही नंबर में इनकी संख्या बहुत ही कम हो, लेकिन पार्टी के अधिकांश डिसीजन, जो मेजर पॉलिसीज और द मेजर डिसीजंस ऑफ द पार्टी आर डिसाइडेड बाय दिस लीडर्स। सेकेंड मेन पिलर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर द एक्टिव मेंबर्स। हु आर दिस एक्टिव मेंबर्स? टू बिगिन विद अ फॉलोवर, ये जो एक्टिव मेंबर होते हैं इनकी शुरुआत राजनीतिक दल के फॉलोवर के रूप में होती है। शीघ्र ही ये लीडर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनसे ये प्रभावित होते हैं, उनको ये सहायता प्रदान करते हैं, असिस्टेंस प्रदान करते हैं और पार्टी के विजन को, पार्टी की पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ये एक्टिव मेंबर्स। एंड द लास्ट वन इज द फॉलोअर्स। हु आर द फॉलोअर्स? फॉलोअर्स आर द कॉमन पीपल, दैट्स व्हाई दे आर लार्ज इन द नंबर, बट ऑल द common people are not agreed with the vision or the propaganda of a single political party. So, a follower who is particularly inspired by the vision of a particular party support their ideas and vision. जो किसी एक पार्टी से क्या होता है, सहमत होता है, उनके विचारों का समर्थन करता है और उनके विजन को समर्थन करते हुए जब वोटिंग की बात आती है तो उस पार्टी के लिए वो वोट कास्ट करता है। So these are the key components of a political party. Now, necessity of a political party, or we can say, why do we need a political party? आखिर हमें राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों? बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण जवाब बच्चों। हम सभी जानते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चलाई जाती है। अब आप एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए, यू इमेजिन ए सिचुएशन जहां पे चुनाव तो होता है लेकिन वह कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली चुनाव में लड़ता है, निर्दलीय बिना किसी दल के चुनाव में लड़ता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, चुनाव के बाद रिजल्ट आती है, हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल चुनाव जीतता है। अब सवाल उठता है, क्या सभी इंडिविजुअल व्यक्ति मिलके क्या एक कॉमन एग्रीमेंट को फ्रेम कर सकते हैं, भले ही ये सरकार को बना ले? देखिए ऐसी स्थिति में होगा क्या, सभी लोग मिलके सरकार को भले ही बना ले, लेकिन इस सरकार की यूटिलिटी बिल्कुल भी प्रूव नहीं हो सकती। क्यों यूटिलिटी प्रूव नहीं होगी? क्योंकि किसी भी डिसीजन को लेने में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है उनके विचार एक नहीं होंगे, उनके एग्रीमेंट, उनके आइडियाज एक नहीं होंगे और इसीलिए डिसीजन को लेने में बहुत ही मुश्किलें आएंगी, डिसीजन बहुत लेट से लिए जाएंगे या लिए भी नहीं जा सकते। और इसीलिए
सरकार बनने के बाद भी इनकी यूटिलिटी फॉर्म इनकी यूटिलिटी प्रूव नहीं हो पाए, और इसीलिए यहाँ पे राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है किसी न किसी पार्टी से अगर जुड़े होंगे तो वो उस पार्टी के विजन को प्रमोट करेंगे, भले ही उनके सेल्फ आइडियाज में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो तो भी उन्हें एक कॉमन आइडिया को एक कॉमन विजन को पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू प्रमोट करना होगा, जिससे डिसीजन लेने में क्या होगी आसानी। नाउ अब इन राजनीतिक दलों का काम क्या है, बहुत सारे काम है। स्टार्टिंग विद द डिफिनेशन, आपने जैसे कि डिफिनेशन में देखा राजनीतिक दलों का सबसे पहला काम है चुनाव लड़ना। सो कोई भी राजनीतिक दल जब फॉर्म की जाती है, जब उसको उसकी स्थापना की जाती है, तो उसका मुख्य मकसद होता है चुनाव लड़ना। एंड देन व्हेन द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इस चुनाव लड़ के उनको करना क्या है, चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनाना, किसी भी देश में सरकार बनाना और सरकार चलाना, ये भी राजनीतिक दलों का मुख्य मकसद होता है। एक बार सरकार बना लेने के बाद सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो कार्यक्रम है देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उन पॉलिसीज को, उन प्रोग्राम्स को लोगों के सामने रखना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है। देन इट प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर ए कंट्री। बच्चों नाइन्थ में आपने वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का चैप्टर पढ़ा, आपने देखा हमारे देश में लॉ बनाने वाले इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में कौन आते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रोल होता है, दैट मींस राजनीतिक दलों का रोल स्वाभाविक होगा, ऑटोमेटिक राजनीतिक दलों का जो है रोल यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों चुनाव बहुत सारे राजनीतिक दल लड़ते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एंड एवरीवन कांट विन द इलेक्शन, सभी लोग चुनाव तो जीत नहीं सकते, तो हारने वाले लोग कहां था, ये ध्यान रखिएगा, हारने वाले दल का क्या, हारने वाले दल जो भले ही सरकार ना बना पाए लेकिन उनके जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जो हारने वाली जो पार्टी होती है जो सरकार नहीं बनाती है, वो अपोजिशन पार्टी के रूप में काम करती है, अपोजिशन पार्टी के रूप में सरकार के कामों को सुपरवाइज करती है, सरकार के नियंत्रण करने का काम करती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों का काम लोगों के बीच में ओपिनियन को बनाना, पब्लिक डिमांड को सरकार के सामने रखना, ये भी जो है पॉलिटिकल पार्टी का काम है। एट लास्ट लोगों की पहुंच गवर्नमेंट मैकेनिज्म तक बनाना, ये भी राजनीतिक दलों का काम है। हर एक इंडिविजुअल की पहुंच सरकार तक नहीं हो सकती, उसके लिए उसे एक पाया चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, और ये मीडियम राजनीतिक दलों से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। नाउ पार्टी सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, जब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की, पूरी दुनिया में हर एक देश में राजनीतिक दलों का जो सिस्टम है एक नहीं होता, दुनिया भर में तीन तरह की दलीय पद्धति, तीन तरह की पार्टी सिस्टम पाई जाती है, वन पार्टी सिस्टम और यू कैन से सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और द ड्यूअल पार्टी सिस्टम एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम। एक एक करके हम इन तीनों सिस्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेट स्टार्ट विद द वन पार्टी सिस्टम और द सिंगल पार्टी सिस्टम। व्हाट इज सिंगल पार्टी सिस्टम, द कंट्री इन विच ओनली वन पार्टी एग्जिस्ट और रूटीनली कंट्रोल द गवर्नमेंट। देखिए ऐसे देश जहां केवल एक ही राजनीतिक दल को, किसी एक ही राजनीतिक दल को उभरने का मौका मिलता है, सरकार बनाने का मौका मिलता है या सरकार चलाने का मौका मिलता है, ऐसे पार्टी सिस्टम को सिंगल पार्टी सिस्टम या वन पार्टी सिस्टम कहा जाता है। अब बच्चे यहां पे थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर जब सिंगल पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम है, तो यहां चुनाव होता है या नहीं। बच्चों ध्यान रखिए, ऐसे देशों में जहां सिंगल पार्टी सिस्टम होता है वहां भी चुनाव होता है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वन पार्टी सिस्टम वाले देशों में दूसरे दलों को फॉर्म होने का अवसर नहीं मिलता, दूसरे दलों को गठन होने का अवसर नहीं मिलता। यहां चुनाव होते हैं तो चुनाव किसके बीच में होता है, एक ही राजनीतिक दल के बीच में
कई सारे लीडर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों के बीच में चुनाव नहीं होता, राजनीतिक एक ही राजनीतिक दल के डिफरेंट लीडर्स के बीच में चुनाव होता है। जो लीडर अपने आप को स्ट्रॉन्गली अपने विजन को लोगों के सामने रखता है तो उस पार्टी के उस लीडर को चूज किया जाता है। ऐसे कई सारे देश हैं जहां सिंगल पार्टी सिस्टम इज वर्किंग। फॉर एन एग्जाम्पल इट इज क्यूबा, इट इज नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, भले ही सिंगल पार्टी सिस्टम में चुनाव होता हो लेकिन इसके बावजूद सिंगल पार्टी सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होती, उसको पूरी तरह से हम डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। नाउ कम टू द बाई पार्टी सिस्टम। अब हम आते हैं बाई पार्टी सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं या डुअल पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा देश जहां जो मुख्य सिनेरियो है, जो मुख्य राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट है, वहां दो मुख्य राजनीतिक दल होते हैं। दो राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का भी मौका मिलता है, सरकार चलाने का भी मौका मिलता है, कंट्रोल करने का भी मौका मिलता है। यहां अन्य दल भी खड़े होने की कोशिश करते हैं लेकिन इन देशों का पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा होता है कि दूसरे देश के अलावा दूसरे दलों दो दलों के अलावा तीसरे दल को मौका नहीं मिल पाता। केवल दो ही दल मुख्य रूप से चुनाव में होते हैं, वही सरकार बना सकते हैं। अब बाई पार्टी सिस्टम के मोटे तौर पर अगर हम देखें तो कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले बाई पार्टी सिस्टम में सरकार ज्यादा स्टेबल होती है, सरकारें जो गवर्नमेंट जो होती हैं मोर स्टेबल कंपेयर टू एनी अदर पार्टी सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, सरकार का जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष चयन डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इट इंश्योर्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, और यही कारण है चूंकि जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट इजीली लोगे। देखिए एक और जहां गवर्नमेंट स्टेबल होती है स्ट्रॉन्ग होती है, वही दूसरी ओर इनकी गलतियां भी तुरंत पकड़ में आ जाती है, उनकी गलतियों को तुरंत लोकेट भी किया जा सकता है और अगले चुनाव में दूसरे राजनीतिक दल जो दूसरी होती है पोजीशन वो इसका फायदा भी आसानी से उठा सकते। जब हम बात करें टू पार्टी सिस्टम दुनिया के जो प्रमुख देश हैं इंग्लैंड एंड यूएसए, दीज आर द टू मेजर कंट्री फॉलो द टू पार्टी सिस्टम। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम। In a country where several parties compete for power and more than two parties have reasonable chance of winning, देखिए एक ऐसा देश जहां कई सारे राजनीतिक दल जन्म ले सकते हैं, उनका गठन हो सकता है और दो से ज्यादा कितने भी राजनीतिक दल हो उनके पास fair chance होता है, reasonable chance होता है, ना केवल वो चुनाव लड़ सके बल्कि वो सरकार गठन भी कर सके। भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मिसाल है कि दो साल, चार साल, एक साल पहले बनी पार्टी भी तुरंत पार्टी बनती है, तुरंत उनको सरकार बनाने का अधिकार बनाने का मौका मिल रहा है। उदाहरण के लिए बच्चों देख सकते हो दिल्ली में आम आदमी पार्टी हाल फिलहाल में बनी और तुरंत ही सत्ता में आ गई। ऐसे ही असम में उदाहरण है, एक असम गण परिषद नाम की पार्टी थी, गठन के तुरंत पश्चात सरकार बनाने में समर्थन मिला। ऐसे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो उनके गठन के बाद तुरंत उनको सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम की खूबसूरती है और भारत जैसा देश जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट करता है। और यही कारण है चूंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में सभी लोगों को सरकार बनाने का अधिकार मिल जाता है, इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम खासकर हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे सुटेबल माना जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैडम अक्सर बनता है कि इन तीनों पार्टीज के बारे में हमने बात कर ली तो उसके बाद कौन सा राजनीतिक दल को पार्टी सिस्टम को ज्यादा बेहतर बताया जा सकता। देखिए ये तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे ध्यान रखेंगे कि कई सारे देशों में सिंगल पार्टी है, कहीं ड्यूअल पार्टी है, कहीं मल्टी पार्टी है। ये उस देश की संघर्ष, उस देश के इतिहास का परिणाम है
उस देश में कौन से पार्टी सिस्टम ज्यादा सफल है, इसको हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, एक समय अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने पूरी दुनिया में शासन किया, वहां पे ड्यूअल पार्टी सिस्टम था, निश्चित रूप से वो सफल रहे होंगे। फिर देखेंगे चाइना और रशिया जैसे देशों ने जहां सिंगल पार्टी सिस्टम है, उन्होंने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लगातार सीढ़ियों पे वो चढ़ते चले गए, जबकि वहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम था। और आप देखेंगे हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 सालों में भारत को दुनिया के सबसे विकसित देशों में खड़े करने का निश्चय किया है, और हम निश्चित रूप से इस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं, और हम मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसलिए ये तय कर पाना कि किस देश में कौन सा पार्टी सिस्टम ज्यादा सुटेबल होगा, इसको तय उस देश की परिस्थितियां ही कर सकते हैं। नाउ अब हम आज के सेशन के लिए लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। बच्चों, भारत में दो तरह के राजनीतिक दल काम करते हैं, एक नेशनल पार्टीज है, दूसरी रीजनल पार्टीज। अब निश्चित रूप से जब दो तरह के राजनीतिक दल है तो उनकी एलिजिबिलिटी कुछ कंडीशंस होंगी। नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जो लोकसभा के चुनाव में कुल कास्टिंग वोट के कम से कम 6% वोट को हासिल करते हैं, या 4 राज्यों के विधानसभा में कम से कम 6% वोट प्राप्त कर लेते हैं। ये दोनों और में है। इसके अलावा कम से कम जिनके पास 4 लोकसभा की सीटें होती हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। रीजनल पार्टीज ऐसे राजनीतिक दल जो कम से कम विधानसभा के चुनाव में 6% वोट हासिल कर लेते हैं और कम से कम 2 विधानसभा की सीट जीत लेते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा रीजनल पार्टीज के रूप में मान्यता मिलती है। तो बच्चों, एक बात का ध्यान रखिएगा, नेशनल पार्टीज का जो रिकॉग्निशन है इलेक्शन कमीशन के द्वारा समय के साथ साथ अपडेट किया जाता है। कई सारे राजनीतिक दल नेशनल पार्टीज की लिस्ट में इंक्लूड होते हैं, कई सारे राजनीतिक दल उस लिस्ट से बाहर भी आ जाते हैं। द मोस्ट रिसेंट एडेड नेशनल पार्टी इन दिस लिस्ट इज आम आदमी पार्टी, जो अभी गुजरात की विधानसभा चुनाव में हार हासिल करने के बावजूद वो नेशनल पार्टीज के रूप में जो अनिवार्यता है उन्होंने हासिल कर ली। और आज भारत में मुख्य रूप से 9 नेशनल पार्टीज हैं। सबसे पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो देख सकते हैं जो नेशनल पार्टीज है, जिनकी सरकार आज देश में काम कर रही है, जो 1980s में बनी और जिनके जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जेपी नड्डा है। सेकेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC के नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल है, 1885 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी इसके प्रेसिडेंट हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 1925 में एस्टेब्लिश हुआ, इसके सेक्रेटरी मिस्टर डी राजा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स CPIM के नाम से जाना जाता है, 1964 में एस्टेब्लिश हुई, मिस्टर तपन कुमार इसके सेक्रेटरी है। देन बहुजन समाजवादी पार्टी BSP एस्टेब्लिश इन 1984 और मायावती जी जो है इनकी प्रेसिडेंट है। देन NCP जिसको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहते हैं 1999 में एस्टेब्लिश हुई, शरद पवार जी इसके जो है प्रेसिडेंट है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिसको TMC के नाम से भी जाना जाता है 1998 में एस्टेब्लिश हुई, ममता बनर्जी जी इसके जो है प्रेसिडेंट है। देन जो भी बताया रिसेंटली एडेड नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी 2012 में एस्टेब्लिश हुई, इसके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल। देन नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2013 में हुआ और मिस्टर कॉनरेड संगम इसके जो है नेशनल प्रेसिडेंट हैं। जी सर। बच्चों, आज के लिए आज के सेशन में इतना ही है। हम 20 तारीख को पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे सेशन के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। जी, धन्यवाद सुशील सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में विस्तार पूर्वक हमारे स्टूडेंट्स को बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जैसा कि आपने बताया कि उनकी परीक्षाएं आने के लिए और ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन्हें लर्न करना सोशल साइंस को नोट्स बना के, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। जी मैम, आपका भी धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ये सब बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद सर।
जी, और डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहेंगे, वो है कला उत्सव के बारे में। आप सभी को पता है कला उत्सव शुरू हो चुका है 3 जनवरी से और ये 7 जनवरी तक चलेगा। ये है कला उत्सव एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज बाय NCERT एट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। India is our land of diverse culture and glory. Let's showcase the art with the glimpses of its story. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. Let's do solo acting, let's dance, let's sing and paint. Make some toys rejoice. Kala Utsav. Children from every nook and corner will perform. Oh, great! We will have glimpses from each and every state. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Paint a picture, make some toys rejoice. We hear the sound of music, we dance to anklet bells. Kala Utsav, an initiative of the Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, announces Kala Utsav, organized by NCERT from 3rd to 7th January 2023 at Regional Institute of Education, Bhubaneswar. Kala Utsav. Kala Utsav. जी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अभी आप देख रहे थे कला उत्सव की कुछ झलकियाँ, जिसमें बच्चों के हुनर और कलात्मकता की झलक दिखाई गई थी। और ये कला उत्सव बच्चों की जो प्रतिभा है उसको प्रोत्साहित करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सत्र भी संपन्न होता है, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल से, क्योंकि कुछ ही पलों में हम फिर से हाजिर होंगे एक और सत्र के साथ कक्षा 9 के लिए साइंस का विषय लेकर। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।